अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको ना इस शर्ट के साथ फ्रॉक की डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी। ये वेलवेट की, इसके ऊपर से इसको कोटी भी बोलते हैं, जैकेट भी बोलते हैं। तो ये मैं आपको इसके साथ का फ्रॉक भी दिखाऊंगी जो इसके अंदर से हमने फ्रॉक बनाए हुए। ये जो है ना, इसको वेलवेट इसकी स्टफ है और मल्टी शेड की वेलवेट है, बड़ी खूबसूरत सी। हुक्स लगा के ये बटन लगाए गए हैं इसके ऊपर, ये सेपरेट इसके अंदर पट्टी लगाई गई है। इस तरह की आप जैकेट बना के किसी भी सूट के साथ, स्लीवलेस के साथ इसको वेयर कर सकती हैं। इससे आपकी जो सूट की लुक है वो काफ़ी एलिगेंट हो जाएगी। अगर आप इस तरह की जैकेट बनवाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग टू साइज़ बनवा भी सकती हैं। तो इसके साथ का जो अंदर फ्रॉक बनाया है तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर से हमने ये जो हमने रेड कलर का फ्रॉक बनाया है, और ये इसके ऊपर जो हमने हैंड वर्क का इसके ऊपर काम किया है, ये मिरर वर्क है जो इसके ऊपर, तो वो ये हाथ से लगाएंगी शीशे। तो इसके अंदर से ये वाला फ्रॉक है अम्ब्रेला स्टाइल में, फ्रंट से ये ओपन है, काफ़ी इसका फ्रॉक का फ्लेयर है। और नीचे इसकी जो है ना, ये मोती वाली पिको करवाई है मल्टी कलर की, जैकेट के साथ मैचिंग करके। इस तरह अगर अकेला भी आप वेयर करना चाहते हैं, इस तरह से फ्रॉक को अकेला भी वेयर कर सकते हैं। लूप लगा के बटन लगाए गए हैं, और इस तरह से जो इसके बाजू हैं वो भी अम्ब्रेला स्टाइल की हैं, और ये अलग से बिल्कुल अम्ब्रेला की कटिंग करके ये इसको आगे फ्रंट से इसको अम्ब्रेला लगाया। और ये इस फ्रॉक की बैक साइड जो बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ ये प्लेट डाले गए हैं 5-5 इंच के राउंड नेक के साथ। ये इसकी चेस्ट वाला पार्ट है, और ये इसका जो नीचे से इसकी अम्ब्रेला शेप में जो फ्रॉक है इस तरह से। इसका मैं आपको ट्राउजर भी दिखा रही हूँ, ट्राउजर पे भी इसकी काफ़ी डिज़ाइनिंग है। ये इस तरह से आप अपने सूट की खुद से डिज़ाइन करके तो अपने सूट को एक रेडीमेड लुक आप दे सकते हैं। ये इसका मैं आप ट्राउजर जो आपको दिखा रही हूँ, इसके ऊपर हमने ये ट्रायंगल लगाए हैं, ये दो दो प्लेट डालेंगी 5-5 इंच के डिस्टेंस पे, ये हमने प्लेट डाले यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ना, हमने सेपरेट कपड़ा लगा के तो इस तरह से ये हमने ट्रायंगल लगाई है। ये इसकी ट्राउजर की डिज़ाइनिंग है। इसको मैं आपको वेयर किया हुआ भी दिखाती हूँ कि ये वेयर किया हुआ सूट किस तरह से लगता है। ये इसकी वेयर की हुई जो लुक है वो इस तरह से आती है। ये देखिएगा रेड कलर के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ये पहना हुआ वेलवेट का। आप किसी भी कलर में मल्टी शेड का ले के तो आप इस तरह से कोटी स्टाइल में बना के, आजकल जैकेट का जो है ना काफ़ी इन है। और ये इसकी फुल जो है ना वेयर किए हुए की ये लुक इस तरह से आती है। ये मैं आपको ना एक कॉटन स्टफ में एक फ्रॉक का बड़ा खूबसूरत सा स्टाइल दिखा रही हूँ। ये बहन के साथ बनाया गया है, उसके साथ ये वाली इस तरह से हील नेक बनाई गई है, और ये जो है ना ये अंगरखा स्टाइल में फ्रॉक है इसका। इस तरह से मैं आपको सारी लुक दिखा रही हूँ। इसके ऊपर ये जो ना वाइट कलर की चिकन लेस लगाई गई है, नीचे से इसका जो स्लिट है वो ओपन है, और इस तरह से ये जो है ना इसका फुल जो है ना ये अंगरखा स्टाइल इसका यहाँ से शुरू हो रहा है। ये इस फ्रॉक की जो है ना ये मैं लुक दिखा रही हूँ आपको सारी नीचे तक। अब मैं आपको डिटेल के साथ बताती हूँ कि इसका ये जो है ना फ्रंट वाला जो पैनल है ये सेपरेट है, फ्रंट और बैक साइड का ये जो मिड वाला पार्ट है ये पैनल इसका सेपरेट डाला गया है यहाँ पे, और ये शोल्डर वाला जो ये साइड पार्ट है ये सेपरेट डाले गए हैं इसके अंदर। फ्रंट और बैक जो है ना इसकी सेम एक तरह की स्टिच की गई है, और फ्रंट से इसको अंगरखा लुक दी गई है। और इस तरह से ये वाले साइड वाला ये वाले पैनल जो डाले गए हैं इसकी कमर से, और ये 14 इंच का ये हमने रखने के बाद उसके बाद हमने ये नीचे से इस तरह से चुनौत डाल के फ्रंट और बैक पे ये इकट्ठा ज्वाइन किया ये वाला पैनल। और अब मैं इसकी बैक साइड की आपको लुक दिखा रही हूँ। नेक जो इसकी ये बैन वाली है, ये फ्रंट का पैनल है, साइड चुनौत वाली है इसकी, कमर में ये वाली चुनौत आती है फ्रॉक की। ये फ्रॉक का जो फ्लेयर है नीचे से ये कॉटन स्टफ में है, और ये इसके जो स्लीव्स हैं इस तरह से एक पट्टी लगा के इस तरह यहाँ प्रिंटेड इसको डिज़ाइन किया गया है। फ्रंट पे जो चिकन लेस लगाई गई है। इसके बाद मैं आपको एक और कॉटन का फ्रॉक दिखाऊंगी। ये जो है ना ये चोरस नेक के साथ है, फ्रंट और बैक साइड की जो नेक है वो चोरस है इसकी। इस तरह से ये वाले प्लेट डालने के बाद यहाँ से हमने इसको फिटिंग की है। फिटिंग के लिए हमने दो दो प्लेट डाले हैं यहाँ पर। ये अगर आप कोई स्लिम सी बच्ची का इस तरह का फ्रॉक सिलाई करना चाहते हैं तो इस तरह से आप ये वाले प्लेट डलवाने के बाद आप बच्ची का फ्रॉक स्टिच करवाएंगे तो काफ़ी अच्छा जो है ना फिटिंग उसकी काफ़ी अच्छी आ जाएगी। नीचे से ये जो है चुनट वाला फ्रॉक है, और नीचे से ये बिल्कुल सिंपल है इस तरह से। जो हमने चेस्ट वाला इसका पार्ट लगाया है वो चिकन का लगाया है। इसकी जो नीचे से है यहाँ चिकन लेस लगाई गई है तकरीबन 1.5-1.5 इंच की। हमने इसके नीचे फ्रंट और बैक साइड के दामन पर हमने इस तरह से ये वाली चिकन लेस लगाई है, और इसका जो फ्रंट वाला पार्ट है इस तरह से ये हमने चिकन का लगाया है। और ये इसके इस तरह से स्लीव है यहाँ पे, हाफ जो है ना वो चिकन के स्लीव लगा के हमने इसको डिज़ाइन किया है, और हाफ जो है वो हमने यहाँ पे जो है वहाँ चुनर डालने के बाद और फ्रंट पे चुनर डालने के बाद तो हमने 1-1 इंच का ये कफ लगाया है।
तरह से हमारे जो स्लीव्स की डिज़ाइनिंग है वो काफ़ी खूबसूरत है। अब मैं इसकी बैक साइड दिखा रही हूँ। आप बैक साइड पे भी हमने चिकन लगाई है। यहाँ से ये चुनट वाला फ्रॉक है, नीचे से ये बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से आप प्रिंटेड फ्रॉकों के साथ सिंपल कपड़ा लगा के या चिकन वगैरह लगा के कुछ भी लगा के तो आप अपने फ्रॉकों को काफ़ी अच्छा खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाजू भी काफ़ी खूबसूरत है। अगर इस तरह के आप बाजू बनवाना चाहते हैं तो इस तरह से आप इस बाजू का स्क्रीनशॉट लेके तो आप इस तरह का ना बाजू अपने टेलर से बनवा सकते हैं, जो पहना हुआ काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके बाद मैं आपको एक और खद्दर की जो है ना वो शर्ट का डिज़ाइन दिखाऊंगी। वी नेक के साथ है और इसको जो है हाफ बैंड लगाया गया इस तरह से, और एक खूबसूरत सा यहाँ हमने पैच अटैच करवाया है मस्टर्ड कलर का, और यहाँ भी दरमियान में पैनल डाला गया। पैनल जो है वो हमने पाइपिंग के साथ अटैच की है। यहाँ पे पैनल ये सिंपल कुर्ता स्टाइल में है। साइडों पे जो इसके चौक पे जो हमने इस तरह से ये पाइपिंग की है स्किन कलर की, और नीचे जो इसको बॉर्डर है ना यहाँ हमने ये नीचे कट वर्क करवाया। ये वाला हमने बाजार से कट वर्क करवाया इसके बॉर्डर का, क्योंकि इसके बॉर्डर के नीचे सेम इसी तरह का शोर सा कटवर्क था, उसके ऊपर मैंने इस तरह से ये कटवर्क करवाया इस तरह से। फ्रंट पे हमने अलग से पैनल डालने हैं और बैक साइड जो है वो उसकी बिल्कुल प्लेन है। प्लेन इसका ये देखिएगा, इसका जो है कॉलर लगा है। बैक साइड इसकी बिल्कुल सिंपल है और बैक साइड के नीचे भी हमने ये कटवर्क करवाया। बॉर्डर लगाने के बाद ये हमने एक्स्ट्रा बॉर्डर लगाया नीचे, उसके नीचे फिर हमने ये कटवर्क करवाया। साइडों पे इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे पाइपिंग की है। ये इसके स्लीव जो है बिल्कुल सिंपल है। इस तरह से इसके स्लीव के जो है ना हमने पाइपिंग की है सिंपल सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ। अल्लाह हाफिज़। This is Raven Beats.